नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। जैसा कि आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है। बेसिकली सुसाइड बॉम्बिंग बताई जा रही है, जिसकी वजह से 13 लोग यहां पर मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, यूएस पर्सनल भी इसके अंदर इंजर्ड हुआ है, ये बताया जा रहा है। और ये आप एयरपोर्ट देख पाएंगे, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पर नॉर्थ गेट ऊपर दिख रहा होगा, फिर नीचे मेन एंट्रेंस है। इसी किसी गेट के बाहर यहां पर सुसाइड बॉम्बिंग हुआ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो पूरा इवैक्यूएशन का प्रोसेस था वो स्लो हो सकता है। लेकिन ये जो बॉम्बिंग की गई है, ध्यान रखना है आपको, ये तालिबान नहीं, ये हो सकता है जो आइसिस हो, इस्लामिक स्टेट, उसका एक पार्ट है खुरासन। बेसिकली इनका अगर आप विस्तार देखोगे, ये पहले सीरिया और इराक में हुआ करते थे, लेकिन जब वहां से ये खत्म हुए तो ये अफगानिस्तान में अपना बेस शिफ्ट कर लिए थे, और काबुल में और कई जगह इन्होंने बहुत बार ब्लास्ट किया है। तो इनके ऊपर ये इल्जाम अभी के लिए बताया गया है। थैंक यू सो मच।